साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हमने 5 अगस्त को हटा दी। लेकिन भाइयों और बहनों, तभी से एक कांग्रेस वालों में, उनकी मिलीभगत वालों के पेट में ऐसा दर्द उठा है, ऐसा दर्द उठा है कि कोई दवा काम ही नहीं कर पा रही है। ये कांग्रेस के पेट में दर्द, कांग्रेस की लाइलाज बीमारी बन गया है। और कांग्रेस को ऐसी बीमारी हुई है, ऐसी बीमारी हुई है, हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ होने लगती है, हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो कांग्रेस का पेट दर्द इतना बढ़ जाता है कि बस पूछिए ही मत। और जब गलती से कोई बालाकोट का नाम लेता है तो कांग्रेस दल के मारे उछलने लगती है, छटपटाने लगती है। अब तो देश भी यह जान गया है कि कांग्रेस को यह दर्द होता क्यों है, किसकी हमदर्दी किसके लिए है। आपने देखा है ना, कांग्रेस के नेताओं के कश्मीर पर जो बयान आए, वो बयान किसके काम आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं उसका लाभ कौन उठा रहा है, कहां कहां उसका फायदा उठाया जा रहा है, कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको पता है ना कौन कर रहा है, फायदा उठा रहा है। सही बताया आपने, कौन उठा रहा है फायदा, कौन उठा रहा है फायदा। अब कांग्रेस वालों को जवाब देना चाहिए कि आप ऐसा कैसा बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को अच्छा लगता है। अरे हिंदुस्तान के लोगों को अच्छा लगे ये बोलने की भी तो हिम्मत दिखाओ जरा।